हिंदू महासभा ने किया इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का किया तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार जल्द से जल्द सुनवाई करने का दिया फैसला, पक्षधारों की जाएगी छटनी। इस फैसले को लेकर हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसकी जानकारी देते हुए हिंदू महासभा के पदाधिकारी दिनेश कौशिक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय जी की बताई जा रही है, जिसको बिरला जी से कहकर मंदिर का निर्माण कराया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से मथुरा वासियों को जल्द से जल्द सुनवाई की उम्मीद जगने लगी है। आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद से संबंधित जो आदेश दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। उस आदेश में ये बताया गया है कि जो मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह से संबंधित जो नौ विवाद चल रहे हैं उनमें जल्द से जल्द फैसला करने का विवरण दिया गया है, और इससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि किसको अधिकार है लड़ने का इस विवाद में और किसको अधिकार नहीं है। यह जमीन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी के नाम थी, और उन्होंने बिरला जी से कह के यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। तो इसमें अब जब सुनवाई जल्द से जल्द होगी तो बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, किसको लड़ने का अधिकार है और किसको लड़ने का अधिकार नहीं है। हम हिंदू महासभा की तरफ से इस आदेश का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और इससे जल्द से जल्द सुनवाई होगी और हमारे देशवासियों को जल्दी निर्णय की उम्मीद होगी।